सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बनी धरती की ये ऊपरी परत यानी मिट्टी क्षेत्र व गुणों के आधार पर कई रंग रूपों में इसकी अलग अलग पहचान है। मिट्टी जांच से न सिर्फ आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को परख पाते हैं, बल्कि ऐसा करने से आपको अपने मिट्टी की क्षमता और समस्या दोनों मालूम हो जाती है और फिर उस आधार पर आप वही रसायन डालते हैं जिसकी जरूरत आपकी फसल को होती है। मिट्टी जांच किए जाने की मुख्य रूप से तीन वजहें होती हैं। पहला, सघन खेती के कारण मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी एवं सुधार के लिए। दूसरा, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। और तीसरा, मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत है उसकी जानकारी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जांच के लिए खेत से मिट्टी का नमूना लिया कब जाए। तो आपको बता दें कि गर्मियों में रबी फसल की कटाई के बाद से लेकर खरीफ की बुआई के पहले तक मिट्टी का नमूना लिया जा सकता है। या जहां लगातार पूरे वर्ष फसलें ली जाती हों, वहां कटाई के तुरंत बाद मिट्टी जांच के लिए नमूना लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुवर्षीय या खड़ी फसल में पौधों की कतार के बीच से नमूना लेना चाहिए।